हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. ओके, तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का चैप्टर फिफ्थ. चैप्टर फोर तक आई होप कि सभी का हो चुका होगा. यस मैम. यस मैम. और बस दो ही बच्चों का आवाज आया है. चलो, वेरी गुड. आज टाइम हमने अपने लास्ट चैप्टर में कीबोर्ड के बारे में जाना था. अब इस वाले चैप्टर में हम किसके बारे में जानेंगे? हम जानेंगे माउस एंड उसके माउस एंड इट्स फीचर्स. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर माउस. तो चलो सबसे पहले अलीना रीडिंग करो आप, जहाँ से जहाँ तक मैंने किया है. It looks like a real mouse. पहले इन्होंने बोला था ए माउस इज ए इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस मैंने आप लोगों को क्या बताया था? इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? इनपुट डिवाइस वो होता है जो हमें कुछ नहीं देता और ये बाहर रहता है. ठीक है. यस मैम. ओके, भारती यहाँ तक रीड करो. It is small in thick and has tail which is attached to the CPU. हाँ, बस यही तक करना था. और इन्होंने मतलब इन्होंने पूछा है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है. ये क्या होता है कीबोर्ड? तो कीबोर्ड आउट इनपुट और इनपुट होता है जो हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं. देखो, जैसे मैं माउस चला रही हूँ तो मैं कंप्यूटर को बता रही हूँ, उसको कमांड दे रही हूँ कि ये कर रहा हूँ. ठीक है. स्मॉल होता है साइज में एंड ये मतलब ये किससे जुड़ा होता है? अटैच होता है ये सीपीयू से. सीपीयू सीपीयू मैंने आप सभी को पहले बता रहा था सीपीयू के और बाकी हम उसके हर पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे. तो अब इससे लेके इट हेल्प अस, ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने रख दिया कि अब हम हेल्प अस के बारे में वर्डिंग के बारे में. तो अलीना पहले आप ये रीड करो. ओके मैम. मूव द प्रोजेक्टर ऑन द स्क्रीन. ओके, इसमें लगा है मूव द, मतलब इसको जब हम मूव करते हैं तो स्क्रीन में दिखाता है ये पॉइंटर. यस मैम. ये हमारा दिखाई दे रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वाला रुकिए, आप रीड करो. सिलेक्ट एंड पॉइंट अ थिंग ऑन द मॉनिटर. प्ले गेम एंड. ये नहीं करना. ओके. इन्होंने बोला है सिलेक्ट एंड पॉइंट दैट थिंग और द मॉनिटर. देखो, जब भी हम इसमें कुछ सिलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर बताते हैं, जैसे मान लो कि ये है. अगर ये हैशटैग में लगा होता, मतलब अगर इसको क्लिक करने से कुछ खुलता तो मैंने क्लिक करने के बाद उसको खोल देती. ठीक है. मतलब माउस बहुत सारे काम करता है हमारे. ठीक है. ये रुको, आप गुरु ये भारतीय ऑपरेट करो. प्ले गेम्स एंड ड्राइव. ड्रॉ पिक्चर्स. तो इससे हम पिक्चर भी ड्रॉ करते. जैसे मैं आपको अंडरलाइन करके बता रही हूँ कहाँ तक रीड करना है, ये बता रही हूँ. यस मैम. ओके. अब यहाँ पर देखो, आपको एक माउस की फोटो दे रखा है जिसको क्या, इसके जो तार है उसको क्या बोलते हैं? जो यहाँ वाले बटन होते हैं वो गोल गोल घूमते हैं और क्लिक भी होता है, इसको क्या बोलते हैं? और जो माउस. हाँ, और ये जो नीचे बिठा हुआ है इसको बोलते हैं माउस. माउस पैड. हाँ, जिसके ऊपर हम माउस रखते हैं. यस मैम.
मैं आप सभी के ग्रुप में ना माउस की एक फोटो भेजती हूँ, जिससे आप लोगों को डिटेल में माउस के बारे में बताओ, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। ओके आप सभी एक बार ग्रुप चेक करो। ओके मैम। यस मैम, देख लिया। तो माउस ऐसा होता है। आगे ओके, अब हम क्या बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं टाइप माउस, यानी अलग अलग तरह के माउस। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस। तो यहाँ पे देखो आप, कितने टाइप्स के माउस है जो मैंने आपको वो डिफरेंट टाइप का माउस है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो माउस है उसके बीच में जो हम सर्कल गोल गोल घुमाते वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ राइट लेफ्ट क्लिक करने वाला है। टू बटन माउस इसको बोलते हैं, जिनमें बीच वाला नहीं होता, जो सिर्फ दो वाला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? टू बटन माउस। टू बटन माउस। सारे रिपीट किया करो, वेरी गुड। और जिनमें ऐसे थ्री होते हैं उनको क्या बोलते हैं? थ्री बटन माउस। थ्री बटन माउस, वेरी गुड। जिसमें ये तीन होते हैं, जिसमें बीच में गोला होता है, और ये दो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल माउस। स्क्रॉल माउस। ऊपर स्क्रॉल बोलते हैं, स्क्रॉल माउस। स्क्रॉल माउस। स्क्रॉल माउस। अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वो स्क्रॉल माउस है, और जो शायद मैंने आप लोगों को भेजा है वो भी स्क्रॉल माउस है। नाम याद रखना आप लोग, जिसमें ये गोल वाला नहीं होगा उसको स्क्रॉल बोलते हैं, अगर जिसके बीच में ये नहीं होगा उसको टू बटन माउस, थ्री बटन माउस बोलेंगे, और इसको स्क्रॉल माउस बोलेंगे, ठीक है? ओके मैम, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करने वाले हैं द स्क्रॉल माउस के बारे में। तो मैं जिनको बोलती हूँ वो रीड करना शुरू कर देना, क्योंकि सबसे पहले रुकैया आप रीड करना शुरू कर दो। द स्क्रॉल माउस इज द मोस्ट commonly used mouse nowadays. It has a scroll wheel button, the left and right buttons. इसमें बोल रहे हैं कि जो स्क्रोल माउस है ये मोस्ट कॉमनली है, अभी जो मैं माउस यूज कर रही हूँ ये भी यही है, ठीक है? मैं अपना बताऊँ, जो मैं यूज कर रही हूँ वो भी हमारा स्क्रोल माउस है। तो बता रहे हैं कि जो स्क्रोल माउस होता है वो बिटवीन बिटवीन यानी बीच का बीच में होता है, और लेफ्ट और राइट में भी एक बटन होता है। यस मैम। अभी मैं लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ तो ये चल रहा है, अगर मैं शायद राइट करूंगी क्लिक तो नहीं चलेगा। देखो राइट क्लिक करने पे नहीं चल रहा मेरा, ठीक है? तो सबसे ज्यादा ना हम लेफ्ट का ही यूज करते हैं, लेफ्ट नहीं राइट का यूज करते सबसे ज्यादा हम लोग, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यहाँ से लेते हैं यहाँ तक। ये रुक कहिया आप रीड करो, ये छोटा है ये नहीं अलीना, सॉरी अलीना रीड करो। ओके ओके, इसमें लिखा हुआ है कि जो स्क्रोल माउस होता है वो अवेलेबल होता है डिफरेंट शेप में। जैसे अभी मेरा जो माउस का शेप है ना वो बड़ा है, और जो एक और मेरा माउस है वो इससे छोटा है। अभी अगर आप कोई और भी लोगे तो आपको, अभी मैंने जो आपको भेजा है उसमें कलर्स है जी मैम, है ना? यस मैम, यस मैम। तो हम आगे चलते हैं।
ओके यहाँ से हम शुरू करते हैं, एक एक अपना पॉइंट कवर करें। भारती आप रीड करो। कीप द माउस ऑन द माउस पैड। तो इसका मतलब क्या है कि जो माउस है ऑन द माउस पैड, ये माउस पैड है। यस मैम। माउस पैड मैंने देखा अभी पीछे ना। यस मैम। मैं दिखाती हूँ दोबारा। माउस पैड इसे कहते हैं, ये देखो यहाँ पे दे रखा है द पैड ऑन विच मूव द माउस इन नो एज माउस पैड। ठीक है, ऐसा होता है माउस पैड, इसके ऊपर माउस रखते हैं हम। ओके मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट भारतीय प्लेस यू आर प्लम ऑन द माउस एंड होल्ड इट विथ यू आर टेम एंड टेल्स टू फिंगर्स। ओके ये जो है इसको होल्ड करते हैं विद, इसको पकड़ते हैं ना हम सब किसी के साथ पकड़ते हैं। सबसे पहला हम लेफ्ट वाले फिंगर का यूज करते हैं और राइट कर लेंगे आगे पीछे ये जो कुछ। लेफ्ट वाले फिंगर यूज करते हैं, फिंगर टू फिंगर यूज करते हैं इसमें। ठीक है, लास्ट इसमें टू फिंगर बता रहे हैं, ये दोनों फिंगर हमें यूज करते हैं। ठीक है, ओके अभी यहाँ से यहाँ तक रुको, ये आप रीड करो। Place your index finger on the left button and your middle finger on the right button. जो हमारा index finger है कौन सा है? Middle on the left. ये तो हमारी सबसे पहले वाली फिंगर सबसे बड़ी। यस मैम। इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर ओके बटन पे लगाते हैं हम। ठीक है, इंडेक्स फिंगर याद रखना, फर्स्ट वाले को बोलते हैं। यस मैम। और फिर दूसरे वाले का नाम क्या था हमारा? मिडिल फिंगर। हाँ मिडिल फिंगर हम उसके सेकंड वाले को बोलते हैं जिसको हम राइट बटन करते हैं। और जो हमारा ये फिंगर है सबसे ज्यादा इंडेक्स फिंगर ही यूज होता है क्योंकि हमें बार बार एक ही ज्यादा क्लिक करना होता है, जैसे कुछ भी सिलेक्ट करना हो, कुछ भी करना हो तो माउस से वो सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके अब हम किस चीज पर बात कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ अ माउस। वेरी गुड। ओके चलो आप रीड करना शुरू करो। वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर वर्ल्ड बिकम ए व्हेन वी लर्न हाउ टू वर्क विद अ कंप्यूटर माउस। लेट अस लर्न डिफरेंट फंक्शन यूजिंग अ माउस। जो कंप्यूटर के साथ मतलब काम करता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और इसके कैसे कैसे फंक्शन है माउस के। ठीक है, यूज करने के। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्लिकिंग। किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्लिकिंग। वेरी गुड। अभी माउस में यहाँ तक भारती आप रीड करो। प्रेसिंग इन एंड प्रेसिंग a mouse button once is clicking. Okay. तो हम प्रेस करते हैं ए माउस के बटन को, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्लिक करना बोलते हैं। जैसे हम ये क्लिक कर रही हूँ, ये देखो मैं yes, क्लिक कर रही हूँ। यहाँ तक अलीना Yes, ma'am. Fungus is called click. Okay, the click is always done after painting.
क्या मैम? पॉइंटिंग एट ऑन देम, इसका मतलब है जो क्लिक हम करते हैं वो ऑलवेज हमारा डन करता है, क्या करता है आफ्टर पॉइंटिंग, पॉइंटिंग एट एन एन आइटम. गुड ओके, अब कौन रह गया रीड करने को? रुकैया ए से रीड करो यहाँ तक. He clicked on the left button on once selected an object on the screen. It is also used to open a mouse on the ribbon. Okay. इसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इस चीज को समझाने के लिए, तो अब हम इसको नीचे करते हैं. ओके, अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जैसे कि हम कोई क्लिक करते हैं लेफ्ट बटन को, वन सेलेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, तो हमारे स्क्रीन पे ऑन द स्क्रीन इट आल्सो यूज टू ओपन मेन्यू. मैंने आपको पहले बताया था कि मेन्यू क्या होता है. यस मैम. तो मेन्यू ऑन द रिबोर्ड, ठीक है, तो हमारा वो ओपन हो जाता है जब हम इसको क्लिक करते हैं. कौन से साइड को क्लिक करते हैं? इस फिंगर का क्या नाम था मैम? लेफ्ट. इस फिंगर का नाम क्या? इंडेक्स फिंगर, याद रखो. इंडेक्स फिंगर. ओके मैम. इंडेक्स फिंगर. दूसरे वाले का नाम क्या था? राइट फिंगर. राइट, लेफ्ट फिंगर. राइट फिंगर. क्या लिखा है? मिडल फिंगर. मिडल फिंगर. वेरी गुड. कैसे बोलना है आपको? तो सबसे ज्यादा हम किस फिंगर का यूज करते हैं? राइट फिंगर. फिंगर बोलना है. करने के बाद प्रेस वन क्लिक, हमने इसको क्लिक किया किसी एक जगह जाके, तो क्या हो गया? ये सिलेक्टिंग हो गया, ये जो आइकन है ये सिलेक्ट हो गया हमारा, ठीक है. यस मैम. सेकंड पे जाते हैं. भारती इसको रीड करो. प्रेसिंग एंड रिप्लेसिंग द राइट माउस बटन वंस इन कॉल्ड अ राइट क्लिक इट ऑप्शंस अ साउट सॉफ्टवेयर शॉर्टकट मेन्यू और अप मेन्यू सेविंग लिस्ट ऑफ ऑप्शन. ओके, इसे बता रहा है जब हम प्रेस करते हैं राइट माउस को, बटन को हम प्रेस करते हैं एक बार, तो क्या होता है उसको हम बोलते हैं राइट क्लिक. अभी हमने इसको राइट क्लिक, ये जो हमारे पास इंडेक्स्ड फिंगर था और ये हमारा कौन सा? राइट ये वाला हमारा राइट फिंगर मैम. मिडल फिंगर. इन्होंने मिडल फिंगर यूज किया है, ठीक है. फिर ये ना शॉर्टकट क्या होता है कि हम ना उसको प्रेस करके ना एक तरह से सेव कर देते हैं, जिससे वो हमें अपने ऑप्शन वाली लिस्ट में शो करता है, दिखाता है. ये शॉर्टकट मेन्यू है. अब जैसे आप कंप्यूटर ऑन करोगे और उसके बाद क्या करोगे, आपको अपने इस वाले फिंगर का क्या नाम है मुझे दोबारा बताओ? मिडिल फिंगर मैम. हाँ, जब जैसे आप अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे आपको अपने स्क्रीन पे मिडल फिंगर को ऐसे कर देना है, जैसे मतलब मैंने अभी तो उसको कर दिया. आपको अपने मिडल फिंगर का यूज करना है, उसके बाद क्या होगा, एक ऐसा मेन्यू खुल गया है. ये ऐसा मेन्यू रिफ्रेश करते हैं. नहीं, रिफ्रेश का ऑप्शन दे रखा होता है, ये रिफ्रेश डिलीट है, ऐसे करके काफी ऑप्शन दे रखे होते हैं, ठीक है. तो हम लोगों को जो मेन्यू ओपन करना होता है तो हम लोग किस फिंगर का यूज करते हैं? मिडिल फिंगर. वेरी गुड. तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं?
डबल क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, वेरी गुड। जब यहाँ से यहाँ तक उस टाइम किसने रीड किया था? मैम मैंने किया था। ओके अब रुकिया आप करो। प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन टच क्लिक इज कॉल्ड अ डबल क्लिक, डबल क्लिक ऑन एन इंसर्ट ऑलवेज यूज आइकन ऑलवेज यूज फंक्शन और डबल क्लिक ओपन द सिलेक्टेड टाइम इट इज आल्सो यूज्ड टू सिलेक्ट अ वर्ड और अ टेक्स्ट। ओके जब आप अपने फोन में किसी मैसेज टाइप कर रहे होते हो, ठीक है मान लो आपने इतना लंबा मैसेज टाइप किया टेक्स्ट, क्या होता है कि हमें मान लो बीच की तीन लाइन चाहिए जी मैम, तो हम अगर एक तरफ प्रेस करें फिर एक सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, फिर हम उसको ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे जहाँ पर हमें कॉपी करना है। यस मैम आप लोगों ने किया है ना? यस यस मैम। कि हम लोग अपने जो हमारा जो माउस है उसको अगर हम लोग मतलब ऐसे ऐसे दो बार अगर हम क्लिक कर दें, जैसे मैं अभी ना आपको फॉर एग्जांपल समझा देती हूँ, नहीं तो क्या होता है अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करते तो हमें जल्दी समझ में भी नहीं आता है, इंडिया में यही कम है जो होना ज्यादा चाहिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे प्रेस करते हैं। ओके ये जैसे मैंने यहाँ पर अपना एक व्हाट्सएप खोला है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने इसको ऐसे ऐसे दब मैंने दो बार क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया। अगर अब मैं इसको क्या करूंगी कंट्रोल सी, मैंने कॉपी करने का भी आपको बता रखा था कंट्रोल मैम, फिर उसके बाद मैं कंट्रोल वी करूंगी तो ये हमारा कॉपी हो गया, मैंने पेस्ट भी कर दिया, पेस्ट कॉपी पेस्ट। ओके मैम तो आपको ये समझ में आ गया डबल क्लिक करने के बाद क्या होता है? यस मैम कॉपी पेस्ट। हाँ डबल क्लिक नहीं, डबल क्लिक करने के बाद हमारा सिलेक्ट होता है, उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद हमें जहाँ कॉपी करना है तो वहां पर कर सकते हैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक यस मैम। किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? और ये पट्टी दूसरी ड्रैग एंड ड्रॉप। अलीना आप रीड करो। टू मूव अन आइटम टू अ न्यू प्लेस इज कॉल्ड ड्रैग इन, टू ड्रैग अन आइटम फॉर द गिवन स्टेप। ओके यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि टू मूव ए, इसको क्या बोलते हैं, टाइम टाइम तो टी आई एम होता है ना, आइटम आइटम न्यू प्लेस होल्ड, मतलब अगर हमें किसी आइकन को कहीं ले जाना है न्यू प्लेस में ले जाना है क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रैगिंग। ओके अब यहाँ पर देखो हमें ना इमेज पता चल के ही काफी कुछ पता चल रहा है, हमें सिर्फ इमेज देके बहुत कुछ पता चल रहा है, जैसे कि हमारा आइकॉन आगे कर रखा है और माउस मैंने पीछे कर लिया है, मतलब मैंने अभी माउस देखो मैं यूज कर रही हूँ लेकिन पीछे कर लिया मैंने ये आइकन नहीं, मैंने जो ये माउस जो चला रही हूँ ये जो पेंसिल आपको दिखाई दे रहा है ये नहीं कर रही हूँ, मैं माउस पीछे कर रही हूँ, क्या बोलते हैं? मूव आइकन आइकन ड्रैग 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 ड्रैग। हाँ तो जब आप अपने माउस को पीछे करोगी तो क्या बोलोगे? ड्रैग ड्रैग। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बता रखा है, इन्होंने यहाँ पे ये बता रखा है कि जब हम होल्ड करते हैं लेफ्ट बटन पे
तो उसके बाद क्या होता है, हम उसको मूव कर सकते हैं, कहीं भी पकड़कर उसको मूव कर सकते हैं, इधर से उधर प्लेस, इधर से इधर प्लेस, बटन करके, और फिर अगर हम उसको छोड़ते तो वो एक जगह ड्रॉप हो जाएगा। यस मैम, यस मैम। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ये चीज बताऊं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आप लोगों को भी आ जाएगा। तो मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर। ओके, स्क्रीन शेयर पे आपको मेरा कंप्यूटर साफ नजर आ रहा होगा। मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको पकड़कर, अब देखो मैं कहीं भी छोड़ दूंगी, अगर मैं इसको यहाँ से ले जा रही हूँ यहाँ पे, अब मुझे मान लो कि ये जो लास्ट में कंप्यूटर का है तो मैं इसको यहाँ छोड़ दूंगी। यस, कंप्यूटर को क्या हो गया? और मैंने आपको बताया था जैसे कि आप कौन से क्लिक करोगे, मिडिल फिंगर से अगर आप क्लिक करोगे तो आपका ये ऑप्शन आएगा, व्यू, शॉर्टकट, रिफ्रेश, और भी ऐसे आते हैं। ठीक है, यस मैम, यस मैम। अब ये चला गया, ये देखो ये हमारा यहाँ था, ये वहां चला गया। मैं इसको दोबारा करके देखती हूँ, ये जा क्यों नहीं रहा, ये नीचे आ जा रहा है बार बार। ये आ गया यहाँ पर, दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। तो बस आपको क्या करना है कि क्लिक करके रखना है और जहां आपको डालना है वहां आप जाके उसको छोड़ दो। ठीक है? यस मैम। गुड, ठीक है। तो आज ना हम इतना ही करते हैं, बाकी कल हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? क्लोरिंग, स्क्रोलिंग, 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 ठीक है। यहाँ पे इंग नहीं है, स्क्रोल के बारे में कल हम बात करेंगे, बस आज की क्लास में यही रखते हैं। लेकिन अभी जितना जहाँ तक मैंने आपको माउस के बारे में बताया है, यहाँ तक आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, डबल क्लिक करने से क्या होता है, क्लिक करने पे क्या होता है, अगर हम होल्ड करके माउस को ये करें और बटन हम जो अपनी फिंगर को यूज करते हैं, मिड फिंगर कौन सी है, इंडेक्स फिंगर कौन सी है, कौन सी फिंगर कहाँ होती है, हमारा आइकन कैसे चेंज होता है, हमारा हमारा जो शॉर्टकट मेन्यू है वो कैसे ओपन होता है। ठीक है, कल हमारा लास्ट लास्ट एक टॉपिक है, वो हम कल क्लियर करने के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसलिए आपको ये वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, बाय 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 बाय।